नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना से बचाव के लिए इतनी करोड़ राशि हुई जारी। 90,000 रिश्वत लेते कस्टम अधीक्षक और डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार। बिहार में लगातार दूसरे दिन मिले 1,000 से कम मामले। बिहार वासियों को अगले दो दिन राहत, लेकिन आगे है बारिश के आसार। ईशान किशन इस बार के IPL में हो सकते हैं सबसे महंगे खिलाड़ी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब 9वीं की परीक्षा आयोजित करेगा बिहार बोर्ड। अब तक बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन करवाया करता था, लेकिन अब बिहार बोर्ड 9वीं की परीक्षा भी आयोजित करवाने जा रहा है। हाल ही में इसको लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से जानकारी साझा कर दी गई थी। वहीं अब 9वीं की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर बिहार बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। इसकी सूचना बोर्ड द्वारा सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। सूचना के अनुसार परीक्षा 26 फरवरी 2022 से शुरू हो रही है और 3 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। प्रायोजित परीक्षा भी बोर्ड द्वारा अगले दिन यानी कि 4 मार्च को आयोजित कराई जाएगी। अब तक बोर्ड द्वारा पहली स्तरीय परीक्षा मैट्रिक परीक्षा ली जाती रही है। बोर्ड की माने तो BSEB के अंतर्गत सभी विद्यालय जिसमें 9वीं के छात्र छात्राओं ने साल 2021 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, 7 फरवरी को एक पूर्व समीक्षा बैठक इसको लेकर के की जाएगी। बिहार में लगातार दूसरे दिन मिले 1,000 से कम मामले। बिहार में COVID-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है, जिसके तहत ही फरवरी महीने में लगातार दूसरी बार COVID-19 की संख्या 1,000 से कम देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 824 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही बिहार में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4,723 पर पहुंच गई है। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 97.94% हो गया है। वहीं जिलावार कोविड पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो अररिया में 9, अरवल में 5, औरंगाबाद में 6, बांका में 6, बेगूसराय में 111, भागलपुर में 19, भोजपुर में 12, बक्सर में 8, दरभंगा में 25, ईस्ट चंपारण में 26, गया में 5, गोपालगंज में 23, जमुई में 18, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, कटिहार में 17, खगड़िया में 5, किशनगंज में 6, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 31, मधुबनी में 23, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 47, नालंदा में 2, नवादा में 5, पटना में 108, पूर्णिया में 60, रोहतास में 19, सहरसा में 20, समस्तीपुर में 40, सारण में 24, शेखपुरा में 8, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 16, सुपौल में 7, वैशाली में 24, वेस्ट चंपारण में 53 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,50,101 सैंपल की जांच की गई। देश में बिहारी छात्रों की सोशल साइंस में ज्यादा है रुचि। बीते दिनों किए गए नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों में बिहार के छात्रों की दिलचस्पी का पता चला है। सर्वे के बाद जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो बिहार के छात्रों की दिलचस्पी तकनीकी शिक्षा से ज्यादा सामाजिक विज्ञान विषय में है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। सर्वे के मुताबिक बिहार में 10वीं कक्षा के बाद केवल 4.1% स्टूडेंट्स ही टेक्निकल एजुकेशन के लिए नामांकन कराते हैं, जबकि सोशल साइंस में 10वीं के बाद सर्वाधिक 70.5% बच्चे नामांकन कराते हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश में 15.3% और झारखंड में 6.6% बच्चे टेक्निकल एजुकेशन नामांकन कराते हैं। मानविकी अर्थात सोशल साइंस में जहां बिहार में 70.5% बच्चे एडमिशन लेते हैं, इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने लिखा कि यह रिपोर्ट बेहद ही रोचक है। पटना मेट्रो के लिए जमीन मालिकों को भेजा जा रहा है नोटिस। बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में साल 2022-23 में देश की सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19,130 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कि पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 18,978 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, इसमें पटना मेट्रो रेल परियोजना भी शामिल है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में पटना मेट्रो के काम की रफ्तार तेज तो होगी ही, योजना को पर्याप्त राशि भी मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, यही कारण है कि इसके लिए भूमि मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना मेट्रो रेल की कुल लागत 13,365 करोड़ है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20-20% है, जबकि 60% राशि वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के तौर पर लेना है। 90,000 रिश्वत लेते कस्टम अधीक्षक और डेटा ऑपरेटर गिरफ्तार। इन दिनों बिहार में रिश्वत लेने वाले और ज्यादा संपत्ति रखने वालों की एक के बाद एक जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इसी कड़ी में बीते दिन CBI को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब उन्होंने रंगे हाथों कस्टम अधीक्षक और डेटा ऑपरेटर को गिरफ्तार किया।
यह कामयाबी सीबीआई को मोतिहारी में मिली है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कस्टम अधीक्षक ने एक ट्रक को पकड़ा था, जिस ट्रक पर लदे सामान का पक्का कागज था, जिसके जीएसटी का भुगतान भी किया जा चुका था। सामान समेत ट्रक को पकड़ने के बाद सभी कागजातों को दिखाने के बावजूद सामान को छोड़ने के लिए पैसे की डिमांड कस्टम अधीक्षक करने लगा। वाहन मालिक से 90,000 पर सौदा तय हुआ, जिसकी शिकायत वाहन मालिक ने पटना स्थित सीबीआई ऑफिस में आवेदन देकर दी, जिसके बाद ही पटना सीबीआई की टीम ने कस्टम कार्यालय से 90,000 रुपए रिश्वत लेते कस्टम सुपरिटेंडेंट दीपक कुमार चौधरी और डेटा ऑपरेटर आनंद कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिहार में कोरोना से बचाव के लिए इतनी करोड़ राशि हुई जारी। बिहार के 18 जिलों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना से बचाव को लेकर 31.89 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। इसी राशि से अब इन जिलों में टेस्टिंग, लैबोरेटरी मशीन और अन्य लैब को संचालित करने, इलाज की सुविधा प्रदान करने, संविदा पर कार्यरत कर्मियों के भुगतान और दवा उपलब्ध कराने में इसका इस्तेमाल होगा। इसके लिए ही स्वास्थ्य विभाग ने जिलों को दवा और अन्य सामग्री आपूर्ति मद में 5.55 करोड़, लैब मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए 3.10 करोड़, जबकि अन्य कार्यों के लिए 1.24 करोड़ रुपए दे दिए हैं। बिहार वासियों को अगले 2 दिन राहत, लेकिन आगे है बारिश के आसार। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि फरवरी महीने के आते आते तक बिहार में ठंड का असर कम देखने को मिलता था, लेकिन इस बार स्थिति ठीक उलट है। हालांकि आने वाले 2 दिनों में बिहार वासियों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलने के आसार जताए गए हैं, लेकिन उसके बाद पश्चिमी हवा के कारण बारिश के आसार भी बढ़ गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसमीय विश्लेषण से पता चलता है कि समुद्र तल के सतह से 1.5 किलोमीटर तक शुष्क पश्चिमी हवा का प्रभाव बना हुआ है। इस हवा के प्रभाव से फलस्वरूप अगले 48 घंटों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। राज्य भर के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष गिरावट नहीं होगी। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के फलस्वरूप ही पश्चिमी बिहार और बिहार के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा देखा जाएगा। कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कदाचार मामले में पहले दिन पकड़े गए 74 मुन्ना भाई। बिहार बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत बिहार बोर्ड का यही संकल्प है कि इस बार परीक्षा का आयोजन कदाचार मुक्त करवाया जाए। लेकिन बिहार की परीक्षा भी एक से एक नकल करने वाले छात्र हर साल निकल करके इसमें सामने आते रहे हैं। इस बार भी माहौल कुछ ऐसा ही नजर आया। यही कारण है कि कदाचार मामले में पहले दिन 74 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया है। बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इस मामले में टॉप पर जमुई जिला रहा। यहां 17 नकलची पकड़े गए, वहीं नालंदा 11 परीक्षार्थियों को निष्कासित करते देखा गया। गया इसके साथ ही सुपौल में 4, मधेपुरा में 9, भोजपुर में 9, भागलपुर में 4, वैशाली में 5, गया और सहरसा में 2-2 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। सिवान, खगड़िया, बांका, मधुबनी, रोहतास में 1-1 छात्र को नकल के आरोप में निष्कासित किया गया है। सहरसा में 2 परीक्षार्थी निष्कासित हुए, जबकि मधुबनी, रोहतास, बांका, सिवान, खगड़िया और नवादा में 1-1 परीक्षार्थी निष्कासित हुए हैं। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए कुल 4 लोगों को पकड़ा गया है। बजट पेश होने के बाद बिहार के शहरों को मिल सकती है संजीवनी। बीते दिनों ही देश का आम बजट पेश कर दिया गया, वहीं बजट के पेश होने के साथ ही बिहार के शहरों को संजीवनी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बीते दिन पेश किए गए बजट के दौरान केंद्र सरकार ने देश के 2 और 3 टीयर वाले शहरों के विकास पर फोकस करते हुए बड़ी पहल की है। बिहार को भी इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है। राज्य के तमाम शहर इन्हीं 2 श्रेणियों में आते हैं। खासकर राजधानी पटना के अलावा 2 और 3 टीयर की श्रेणी में आने वाले राज्य के कई अन्य शहर के सुनियोजित विकास में इससे मदद मिलेगी। इनके प्रमुख रूप से गया, सासाराम, बक्सर, औरंगाबाद, शरीफ, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर समेत अन्य जिला मुख्यालय वाले शहरों को भी इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। एनएचएआई ने बिहार के अधिकारियों को लगाई फटकार। बिहार में बन रहे या बनने वाले नेशनल हाईवे के निर्माण का निरीक्षण करने एक दिवसीय बिहार दौरे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष अलका उपाध्याय बिहार आई थी। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यमृत, अभियंता प्रमुख हनुमान चौधरी, मुख्य अभियंता अमरनाथ पाठक और अनिल कुमार सिन्हा, एनएचएआई के आरओ सदरे आलम सहित अन्य अधिकारियों के साथ एनएचएआई अध्यक्ष ने मैराथन बैठक की। यहीं आकर उन्होंने बिहार में बन गए या फिर बनने वाले नेशनल हाईवे को लेकर बिहार के अधिकारियों को फटकार लगाई है, जिसके तहत ही उन्होंने साफ कहा कि निर्णय लेने में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने इस साल बिहार में 400 किलोमीटर एनएच का टेंडर काम शुरू करने की भी बात कही है। पटना गया धोबी 6 लेन का बनाने पर विचार विमर्श शुरू। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने पटना गया डोभी NH-83 को 4 लेन के बजाय 6 लेन बनाने की कवायद की है, जिसके तहत ही बीते दिन मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। इससे पहले कोर्ट की तरफ से नियुक्त कोर्ट मित्र वरीय अधिवक्ता पीके शाह ने कोर्ट को बताया कि पटना गया डोभी NH-83 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 4 लेन के रूप में किया जा रहा है, जबकि जमीन का अधिग्रहण पुलपुलिया का निर्माण 6 लेन सड़क के रूप में किया जा रहा है। इसको लेकर पूरी जानकारी कोर्ट ने NHAI से मांगी है। इसको लेकर NHAI को 3 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दायर
करके स्थिति साफ करने का आदेश भी दिया गया है। लालू यादव फिर से आ सकते हैं पटना। अपनी खराब तबीयत के कारण राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना से बाहर अक्सर उन्हें देखा गया है, लेकिन उनके प्रशंसकों को बिहार में उनका इंतजार हमेशा से रहा है। इसी बीच ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव फिर से राजधानी पटना आ सकते हैं। जल्द ही राजद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीद यही जताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने इस बारे में जानकारी दी है, साथ ही बताया है कि इस साल पार्टी के सांगठनिक चुनाव होने हैं, जिन पर इस कार्य समिति में मुहर लगेगी। चुनाव के कार्यक्रम और राजद की सदस्यता अभियान की रणनीति पर भी काम होगा। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के आगमन के भी संकेत उन्होंने दिए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक को 10 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। विधान परिषद चुनाव को लेकर पशुपति पारस ने उतारे उम्मीदवार। बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर इन दिनों लगातार चर्चाएं तेज हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन चुनावी तैयारियां बिहार में देखने को मिल रही है। इसके तहत ही बीते दिन एक के बाद एक दल ने अपने प्रत्याशियों के नाम को सामने किया है। इसी कड़ी में अब बीते दिन राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी विधान परिषद चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बीते दिन दिल्ली में बुलाई गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता वैशाली सांसद और बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें वैशाली विधान परिषद चुनाव के लिए भूषण रॉय के नाम पर सर्वसम्मति बनी है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे में एक सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिली है, जिस पर पार्टी ने भूषण रॉय को अपना प्रत्याशी बनाया है। बजट की ही तरह मोदी जी की चाय भी होती होगी फीकी। बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई चीजों में छूट दी तो कई चीजों को महंगा भी कर दिया। वहीं बजट पेश होने के बाद ही देश भर में बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत एक ट्वीट उन्होंने जारी किया है। बजट को लेकर तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए लिखा है कि बजट का तो रहने ही दीजिए, ये आदमी चाय भी कतई घटिया बनाता होगा पक्का। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस ट्वीट के जरिए तेज प्रताप ने न सिर्फ बजट को बेकार करार दिया, बल्कि उसे नरेंद्र मोदी के पूर्व में चाय बेचने के धंधे से भी जोड़ दिया है। ईशान किशन इस बार के आईपीएल में हो सकते हैं सबसे महंगे खिलाड़ी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके ईशान किशन को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनके अनुसार ईशान किशन इस बार के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। उन पर मेगा ऑक्शन में ऊंची बोली लग सकती है। ईशान किशन ने पिछले सीजन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था और मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल 2022 के लिए रिटेन भी नहीं किया। हालांकि इससे पहले के सीजन में ईशान किशन का प्रदर्शन बेहद ही सराहनीय रहा है। एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आकाश चोपड़ा ने कहा कि यह तो ईशान किशन या फिर श्रेयस अय्यर आईपीएल 2022 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी राय में ईशान किशन आईपीएल 2022 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले ओपनर होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रेम प्रकाश, लक्ष्मण कुमार, ऋतु रानी, राहुल कुमार, राजकुमार, बलमा राज, विकास मरियम, अजय कुमार, अतुल उपाध्याय, कांटी कुमार, सूरज रॉय, सचिन कुमार, विमलेश कुशवाहा, करुणा कुमारी, शंभु बर्णवाल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने बिहार का मान सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।